शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज आपको दादी माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। काव्या को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतना बड़ा जिसे मैं भगवान समझता था। नफरत की आग में इतनी डूब गई है कि सही गलत का एहसास नहीं रहा आपको। आपके लिए परिवार सब कुछ है ना, तो क्या काव्या मेरा परिवार नहीं है या फिर मैं आपका परिवार नहीं हूं? नहीं, इस बुनियादी सवालों का जवाब मुझे आज चाहिए, इसी वक्त चाहिए मुझे, क्योंकि आप मेरी दादी मां तो हैं, पर आज मुझे आप में ना दादी दिखाई दे रही है और ना मां। मुझे आप में कमजोर इंसान की धुंधली छवि दिख रही है, धुंधली छवि, और इंसान भी नहीं दिख रहा। बस करण, बस कीजिए। हाँ, काव्या ने जो भी किया हमारे कहने पर किया। तुम हमें करण की जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहती, क्या हम सही कह रहे हैं जी? अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो उसकी क्या कीमत अदा करोगी तुम? कुछ भी कर सकती हूँ दादी, कुछ भी। तो ठीक है, 15 दिन बाद करण का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि उस दिन तुम करण को कुछ खास उपहार दो। तुम करण के साथ इतनी बदतमीजी करो कि करण खुद तुम्हें जन्मदिन के दिन हवेली से बाहर निकालने में मजबूर हो जाए। बताओ क्या कर पाओगी? अगर तुम ये कर पाओगी तो हम हवेली से नहीं जाएंगे। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हवेली में या तो तुम रहोगी या हम रहेंगे। आप ही रहेंगी दादी, क्योंकि तुम ही।